हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मंजू बाला यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। अब ये हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम का सेकेंड पार्ट हम बताएंगे, जिसमें कि जो हमने तीन इक्वेशंस हमने बना ली हैं तीन वेरिएबल्स की, उनको हम सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार से तीन क्वांटम नंबर्स जो हैं, जो हम अभी तक क्वांटम नंबर्स पढ़ते आए हैं, उनसे रिलेट यहाँ पे उन चीज़ों का रिलेशन होगा। तो हमने देखा था बच्चों पिछले लेक्चर में कि हमने ये इक्वेशन जो अपनी, जिसमें कि हमने जो फाइव वाला जो पार्ट था उसको हमने सेपरेट कर लिया था, उसको हम राइट हैंड साइड में ले आए थे। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे और ये हमारी माइनस वन अपॉन फाइव डी टू फाइव अपॉन डी फाइव स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर के बराबर, हमने इसको कांस्टेंट के बराबर लिख लिया। हमने कहा था कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हम एक ही कांस्टेंट के बराबर रख दें और उनका मान एक आता है तो इसका मतलब वो सही है। अब यहाँ पर हमने इसको रीअरेंज कर लिया तो डी टू फाइव अपॉन डी फाइव स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अब हम जो इसका दूसरा पार्ट था उसको हम, ये तो हमारा हमने जो राइट साइड में सेपरेट किया था, अब हम जो उसका लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं, जो हमारी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर डी बाई डी आर आर स्क्वायर डी कैपिटल आर अपॉन डी आर प्लस साइन थीटा अपॉन थीटा डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा डी कैपिटल थीटा अपॉन डी स्मॉल थीटा और टू म्यू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एच क्रॉस जीरो ई प्लस ई स्क्वायर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर इज इक्वल टू एम स्क्वायर के बराबर हमने रख लिया। यानी कि जो हमने ऊपर इक्वेशन ली थी उसमें हमने ये इक्वेशन पहले इसको एम स्क्वायर के बराबर लिख लिया और फिर जो रिमेनिंग पार्ट था उसको हमने एम स्क्वायर के बराबर लिख लिया। अब बच्चों हम इसको इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका वन बाय आर बच जाएगा, ठीक है, और आपका डी बाई डी आर आर स्क्वायर डी आर अपॉन स्मॉल डी आर प्लस, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा से अगर आप डिवाइड करोगे इस इक्वेशन को तो साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, नीचे थीटा साइन थीटा बच जाएगा, डी बाई डी थीटा साइन थीटा डी आपका कैपिटल थीटा अपॉन डी थीटा और यहाँ पर आपका टू म्यू आर स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस जीरो, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हो तो ये कट जाएगा आपका और यहाँ पर आपकी एनर्जी टर्म इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो अब हम यहाँ देखें कि ये जो है टर्म, ये पूरी फंक्शन ऑफ आर है, ये जो है फंक्शन ऑफ थीटा है और ये वापस से फंक्शन ऑफ आर है और ये फंक्शन ऑफ थीटा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो आर के आपके फंक्शंस से हैं उनको अलग कर लेंगे और थीटा वाले अलग कर लेंगे। तो हमारे पास इस तरह से हमने इनको सेपरेट कर लिया, ये इक्वेशन आपकी जो आर वाली है और जो दूसरी एनर्जी टर्म वाली है इनको साथ लिख लिया और आपका एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये जो थीटा की टर्म है हमने इनको सेपरेट कर लिया। आप वापस से हम कहते हैं कि ये दोनों, क्योंकि वापस से अलग अलग आपके वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक तरफ आर वाला आ रहा है एक तरफ थीटा वाला आ रहा है, तो हम इनको इक्वल कब मान सकते हैं, जब इन दोनों को हम एक कॉन्स्टेंट के बराबर लिख दें और उनका मान अगर सेम आता है। तो यहाँ पे जो हम कांस्टेंट रख रहे हैं वो एल इंटू एल प्लस वन रख रहे हैं। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड अगर लें उसको एल एल प्लस वन के बराबर लिख दें और फिर हम उसको डिवाइड कर दें आर स्क्वायर से और उसको साथ में मल्टीप्लाई भी कर दें कैपिटल आर से। तो पहले आप डिवाइड करेंगे आर स्क्वायर से और फिर साथ में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपकी हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, वन बाय आर स्क्वायर डी बाई डी आर आर स्क्वायर डी कैपिटल आर अपॉन स्मॉल डी आर प्लस टू म्यू अपॉन एच क्रॉस जीरो एच क्रॉस ई स्क्वायर अपॉन फोर पाई ई जीरो आर प्लस ई माइनस, इसको हम इस तरफ ले आते हैं एल एल प्लस वन, अब हम इसको डिवाइड बाय आर स्क्वायर कर रहे हैं और इनको मल्टीप्लाई बाय आर कर रहे हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो हमने क्या किया, इसको तो इस पार्ट को तो अलग लिखा है और ये एल एल प्लस वन हम इस तरफ ला के इसको जॉइंट में हमने लिख लिया और इसको मल्टीप्लाई बाय आर कर दिया और यहाँ पे जो है आपका आर स्क्वायर टर्म जो है उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया है और आर से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है।
अब हम अगर ये हमारी जो फोर्थ इक्वेशन थी इसका, ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था, अब हम इसका राइट हैंड साइड ले लें। तो राइट हैंड साइड हमारा थीटा वाला है, तो ये आपका थीटा वाला टर्म जो है राइट हैंड साइड हो गया। अब इसमें बच्चों हमने क्या किया, इसको भी हमने एल एल प्लस वन के बराबर लिख दिया, और इसको हम फिर हमने क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया, दोनों सबको हम एक तरफ ले आए, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई। अगर आप देखो इसको हम एल एल प्लस वन के बराबर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एल एल प्लस वन, और आपका इधर को ले जाएंगे तो माइनस, और इसको इधर को ले जाएंगे तो प्लस। तो इस तरह से आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी, और हम इसको मल्टीप्लाई बाय थीटा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई बाय थीटा कर लिया है। और आपके पास इस इक्वेशन में क्या है, एल एल प्लस वन, और ये तो आपने एक साथ रख लिया, इस टर्म को आपने अलग रख दिया, और यहाँ पे थीटा नीचे है, थीटा से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये थीटा की टर्म खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास केवल क्या बच जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा डी बाई डी थीटा साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी थीटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब बच्चों अगर हम सबसे पहले इक्वेशन जो हमारी शाई की इक्वेशन, फाई की इक्वेशन है जो हमने सबसे पहले देखी थी, फाई की इक्वेशन ये वाली आपकी जो इक्वेशन थी, इसको अगर हम सॉल्व करें, ये इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, तो हमारे पास क्या आ जाता है, डी टू शाई अपॉन डी टू फाई अपॉन डी फाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर फाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ए आपका आयोटा एम इंटू फाई। यहाँ पे ए जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है, हमने इंटीग्रेशन से इसका सॉल्यूशन निकाला है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। और जो फाई है ये पीरियोडिक फंक्शन है। बच्चों एक बात और हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास तीन इसमें वेरिएबल्स थे, आर थीटा और फाई। आर जो है, आर की वैल्यू क्या कितनी हो सकती है, आर की वैल्यू जो है वो जीरो टू इनफाइनाइट तक हो सकती है, जबकि आपकी थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, जीरो टू पाई, और फाई की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो टू टू पाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं ए जो है वो क्या है, पीरियड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, और जो फाई है आपका ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जो कि बार बार रिपीट होगा, क्योंकि ये किसके बराबर, इसकी वैल्यू जो है जीरो से टू पाई के बीच में हो सकती है, जीरो से टू पाई तक, तो ये एट इंटरवल्स वापस से ये रिपीट होगा। तो हम मान सकते हैं कि इसकी वैल्यू फाई थीटा इज इक्वल फाई स्मॉल फाई इज इक्वल टू फाई इंटू फाई प्लस टू पाई हम कर सकते हैं। और इसको अगर हम खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आई एम फाई की जगह हम क्या रख देंगे, फाई प्लस टू पाई। तो इसको खोलेंगे तो ए ई आई एम फाई प्लस टू पाई हो जाएगा, और इसको खोलेंगे तो ए ई आई एम फाई, और दूसरा ए ई आई एम टू पाई। तो यानी कि इसका जो दोनों ये कब बराबर होंगे, जब ए ई आपका आई एम टू पाई जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन के बराबर हो जाएगी। आपको जो है हम इसको जब खोलते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको खोलने से हमारे पास आ जाएगा ए ई आई एम फाई, है ना, और ए ई आई एम टू पाई, और ये जो है इसके बराबर होगा। तो ये साइड और ये साइड कब बराबर होगा, जब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। तो ये कब ट्रू है, ये तब ट्रू है जबकि m की वैल्यू जो है अगर जीरो हो, प्लस माइनस वन हो, प्लस माइनस टू हो, या प्लस माइनस थ्री हो। अगर हम ये वैल्यूज इसमें पुट करके देखेंगे, जीरो वैल्यू, वन वैल्यू, टू वैल्यू, थ्री वैल्यू, तो हम देखेंगे कि ये दोनों जो है वैल्यूज़ वो जो हैं ये इक्वल आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये वैल्यूज़ कौन सी हो सकती हैं, इंटीग्रल वैल्यूज़ हो सकती हैं, और विच में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, पर इन दोनों के बीच की वैल्यू नहीं हो सकती, जीरो या वन के बीच में पॉइंट फाइव या वन पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव ये वैल्यूज़ नहीं होंगी, ये केवल इंटीग्रल वैल्यूज़ होंगी। और यहाँ पे m जो है वो हमारा क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको बता रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमने पढ़ चुके हैं पहले भी आपको,
कि ये हमको स्प्लिटिंग के बारे में बताता है कि कोई जो शेल है वो कितने सब शेल्स में स्प्लिट हो सकता है। अब बच्चों हमने ये फाई का सॉल्यूशन देखा, अब हम अगर थीटा का सॉल्यूशन देखें, थीटा, अब थीटा वाली इक्वेशन हमारी कौन सी है, इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7 वो हमारी थीटा वाली इक्वेशन है। तो उस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो वापस से इसमें भी हम इसको एक कांस्टेंट के बराबर रखते हैं, एल के बराबर, और हम मानते हैं कि ये जो कांस्टेंट है ये भी एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू जो एम हमने पहले रखा था कांस्टेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसके या तो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी। एल की वैल्यू जो है वो या तो एम से ज़्यादा होगी या एम के बराबर होगी, ठीक है। तो यानी कि एम जो है वो क्या हो सकता है, वो तो 0 ± 1 ± 2 ± l हो सकता है, पर एम की वैल्यू जो है एल से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम थर्ड सॉल्यूशन देखें, अगर सॉल्यूशन ऑफ रेडियल इक्वेशन, तो ये हमारी बच्चों कौन सी इक्वेशन थी, ये हमारी जो 6th इक्वेशन थी जिसमें कि r वाली टर्म्स हैं, इसको अगर हम लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है वो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 6 अगर हम लें और उसको हम सॉल्व करें, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है एनर्जी टर्म में -me4/32 n²/0 h×0 n²। यहाँ पे जो आपका n है वो क्या है, ठीक है। तो जो रेडियल इक्वेशन है जिसमें कि r की टर्म्स थी, उसको इक्वेशन नंबर 6 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये n की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू आ सकती है, आती है, और जहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 1, 2, 3 जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और इसका मान भी ग्रेटर देन और इक्वल टू l+1 जो है उसके बराबर हो सकता है। तो l का मान जो है वो किसके बराबर होता है, 0, 1 to n-1 के बराबर होता है। अब बच्चों थोड़ा सा हम क्वांटम नंबर्स के बारे में अगर देखें, तो हमने क्या कहा, अभी हमने 3 इक्वेशन देखी, एक तो r से रिलेटेड उसमें हमने एनर्जी निकाली, और फाई से रिलेटेड हमने m निकाला, और थीटा से रिलेटेड हमने l निकाला, ठीक है। तो ये जो है ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा है, ये आपका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या जिसको एजीमिथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, और ये आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हमने श्रोडिंगर वेव फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए निकाला तो हमको 3 क्वांटम नंबर्स चाहिए इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिकेशन करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, और फर्स्ट जो रेडियल वाला आपका वेरिएबल है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी को बताता है कि हमारा जो न्यूक्लियस से कितनी दूर इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, कौन सा एनर्जी शेल है, तो वो n के बारे में बताता है। जैसे कि हम पीरियोडिक टेबल में जानते हैं n=1 to 7 हम पढ़ते हैं डिफरेंट जो हमारे पीरियड्स हैं, जो कि बताता है कि कौन से ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन है। फिर सेकेंड नंबर पे आपका क्या आता है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये एक ही नाम है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसके अंदर हमको पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल में है, आपका sp(d)f कौन सा शेल है, ठीक है। और जो फाई से रिलेटेड हमको मिलेगा वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मिलेगा, जो कि m से हम डेजिग्नेट करते हैं, और जिसका मान कितना होता है, 2l+1, ठीक है। और ये जो l का था इसका मान कितना होता है, n-1। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लें कि हमारा n=2 है, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, सेकेंड ऑर्बिट में है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि L क्या होगा, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या होगा, तो ये n=0 to n-1 इसकी वैल्यू होती है ना। तो यानी कि n-1 to 1 हो गया, तो 0 और 1 इसकी वैल्यू जो है वो
ये होंगी। अब इससे रिलेटेड जब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालते हैं जीरो और वन से रिलेटेड, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2L+1, यानी कि अगर जीरो है तो वन हो गया, और अगर हमने 2×1 किया तो कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। यानी कि जो हमारा L=, जब क्या था, जीरो था, यानी कि हमारा s ऑर्बिटल जो है वो सिंगल वो होता है, और जो हमारा जब वन है तो L का मान ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का 1 है, तो हमारा m का नाम स्प्लिटिंग कितनी हो गई, 3 हो गई, जो कि हमारा p ऑर्बिटल होता है। तो इस प्रकार से हमने हाइड्रोजन एटम के डिफरेंट वेरिएबल्स को सेपरेट करके जो सॉल्यूशन निकाला, उससे हम अपने अभी तक हमने जो क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं वो भी उससे जो है कोरिलेट हो रहे हैं। तो बच्चों, अब ये आपका फर्स्ट जो चैप्टर था क्वांटम मैकेनिक्स का, ये हमारी तरफ से हमने पूरा करा दिया। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में, हम भेजते हैं मटेरियल, इससे रिलेटेड नोट्स भी भेज रहे हैं, वीडियोस भी भेज रहे हैं। आप अपने फ्रेंड्स जो व्हाट्सएप से नहीं जुड़ पाए हैं किसी तरह से, उनसे भी मतलब आप शेयर कर सकते हो ये सारे नोट्स वगैरह, ताकि सबको फ़ायदा मिल सके। अब हम सेकेंड चैप्टर जो है MOT वाला वो शुरू करेंगे, और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी असाइनमेंट में डाले हैं, वो आप करके दें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद।